बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट इंडिजिनस डेयरी कैटल ब्रीड्स। जो इंडिया की इंडिजिनस डेयरी कैटल ब्रीड्स है, देसी ब्रीड्स जो है वो आज हमें पढ़ना है। कुछ इम्पोर्टेंट ब्रीड्स जो है इंडिजिनस, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जो पहली ब्रीड देखोगी वो है गिर। गिर ब्रीड जो है उसका अगर हैबिटेट देखा जाए, व्हाट इज़ हैबिटेट, हैबिटेट ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह होती है, डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर गिर का हैबिटेट देखा जाए वो कहाँ पर है, काठियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात, काठियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात में ये पाए जाते हैं। जो ये गिर ब्रीड है कहाँ पर पाई जाती है, काठियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात। अगर इसका कलर देखा जाए तो आप देखोगे ये जो है ये गिर है, ये यूजुअली रेड कलर की होती है और कहीं कहीं देखोगे कहीं कहीं इनमें वाइट सपॉट्स भी होते हैं। अगर जनरल डिस्क्रिप्शन की तरफ जाए तो वॉल्यूमस डेवलप एंड मॉडरेटली डेवलप्ड शीथ, जो इनमें ये डेवलप क्या होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन। आप देखोगे ये नेक से जो आ रहा है ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन, यही इनमें डेवलप होता है, इसको डेवलप कहते हैं। इनमें ये ज़्यादा होता है। अच्छा, हम्प जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है एंड प्लेसड इन फ्रंट ऑफ विथर्स। विथर्स क्या है, ये एक रिज होती है बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, ये जो है यहाँ पर, ये एक मिनट मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो है ये शोल्डर ब्लेड्स हैं, एक इस साइड और एक उस साइड। तो जो ये यहाँ पर देखोगे आप, इसकी सीध में हम्प के नीचे जो ये रिज होती हैं इसे विथर्स कहते हैं। तो इसके फ्रंट में वेल डेवलप्ड हम्प होता है। इनमें लिम्बस आर वाइडली प्लेसड बट आर नॉट सो मस्कुलर, जो लिम्बस है वाइडली प्लेस होती है मगर ज़्यादा मस्कुलर नहीं होती है। एवरेज लैक्टेशन यील्ड ऑफ ए काउ इज़ 2110 लीटर्स विथ 4.60% फैट। कितना लैक्टेशन यील्ड होता है एवरेज, 2110 लीटर्स विथ फैट कितना उसमें, 4.60% फैट। बुलॉक्स आर हैवी, जो बुलॉक्स होते हैं, जो इनके बुल होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं और पावरफुल होते हैं, मगर मूमेंट में वो मीडियम पेस्ड होते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं भागते। सहीवाल जो दूसरी ब्रीड है वो है सहीवाल, कहाँ पर पाई जाती हैं, मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब ऑफ पाकिस्तान। ये भी यूजुअली देखोगे आप रेड कलर की होती है, रेड डन एंड वाइट कलर की रहती है। अगर इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन देखी जाए, दे आर ऑफ मीडियम साइज़, ये मीडियम साइज़ की होती है। जो फोर हेड होता है वो ब्रॉड रहता है विद ब्राइट आइज एंड ब्लंट थिंक हॉर्नस, ब्लंट थिंक हॉर्नस। द हाइंड क्वार्टर्स आर, जो हाइंड क्वार्टर्स हैं वो वेल डेवलप्ड रहते हैं। एवरेज लैक्टेशन यील्ड ऑफ ए काउ इज़ कितना, 2325 लीटर्स। कितना रहता है इसका एवरेज यील्ड होता है मिल्क का, वो रहता है 2325 लीटर्स। विथ फैट कितना रहता है, 4.90%। ब्लॉक्स आर यूज्ड बोथ फॉर प्लोइंग एंड और काट, जो प्लोइंग के लिए भी ये यूज़ होते हैं ब्लॉक्स, और किसके लिए, और काट के लिए भी, जो काटिंग के लिए भी ये यूज़ होते हैं। काउज आर गुड मिल्कर्स, काउज आर गुड मिल्क, जो इनकी काउज होती है वो अच्छा दूध देती है। अच्छा, जो तीसरी ब्रीड है वो है रेड सिंधी, रेड सिंधी।
कहाँ पर, अगर इसका हैबिटेट देखा जाए, कराची एंड हैदराबाद रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, कहाँ पर, कराची एंड हैदराबाद रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अगर इनका कलर देखा जाए, डीप डार्क रेड, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो है ये रेड सिंधी है, डीप डार्क रेड कलर की होती है। तो अगर जनरल डिस्क्रिप्शन में देखा जाए, ए वाइट मार्क ऑन द फोरहेड इज़ प्रेजेंट, एक वाइट मार्क होता है किस पर, फोरहेड पर, वेल प्रोपोर्शनड हेड विथ मॉडरेट साइज, थिंक हॉर्नज विच इमर्ज लेटरली, राउंडेड ड्रूपिंग क्वार्टर्स, वेल डेवलप्ड हम्प भी होता है, डेवलप भी होता है, शीथ एंड मिल्क वैन होती है, एवरेज लैक्टेशन यील्ड ऑफ ए काउ इज 1840 लीटर्स विथ 4.50% फैट। काउज आर एक्सेप्शनली गुड मिल्कर्स, काउज जो होती हैं इनकी वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देते हैं। ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर हैवी लोड ऑन रोड्स, ब्लॉक्स किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, लोड उठाने के लिए रोड्स पर। अच्छा, थार पार्कर जो चौथी ब्रीड है वो कहाँ पाई जाती हैं, मारवर रीजन इन राजस्थान एंड गुजरात, जो मारवर रीजन है राजस्थान गुजरात में, वहाँ पर। वाइट और लाइट ग्रे कलर की होती है, ये देखिए आप, देखिए वाइट, ये जो है वाइट और लाइट ग्रे कलर की होती है थार पार्कर। एनिमल्स आर ऑफ मीडियम साइज विथ शॉर्ट स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग लिम्ब्स, ये मीडियम साइज के रहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, विथ शॉर्ट स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग लिम्ब्स, शॉर्ट स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग लिम्ब्स, दे हैव मॉडरेटली लॉन्ग फेस विथ ब्रॉड पोल एंड स्लाइटली बल्जिंग फोरहेड। मेल्स गिव ए जनरल इम्प्रेशन ऑफ वेरिलिटी, मेल्स गिव ए जनरल इम्प्रेशन, वेरिलिटी का मतलब है सेक्सुअल पावर जो होता है इनमें ज़्यादा होता है, जो मेल्स में सेक्सुअल पावर ज़्यादा होता है। हॉर्नज आर ऑफ मीडियम साइज, हॉर्नज मीडियम साइज के रहते हैं। इन यंग एनिमल पर्टिकुलरली देयर इज़ ए वाइट और लाइट ग्रे लाइन अलोंग द स्पाइन, स्पाइन की सीध में अगर आप देखोगे वहाँ पर आप वाइट ग्रे, देयर इज़ ए वाइट और लाइट ग्रे लाइन। एवरेज लैक्टेशन यील्ड अगर इनका देखा जाए तो वो है 1749 लीटर्स विथ 4.80% फैट। बुल्स आर यूज्ड फॉर प्लोइंग एंड कार्टिंग, जो बुल्स है वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, प्लोइंग एंड कार्टिंग मतलब लोड उठाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और प्लोइंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। काउज आर एक्सेप्शनली गुड मिल्कर्स, और काउज जो है वो अच्छा दूध देते हैं। तो ये कुछ अगर देखोगे, ये यहाँ पर आप देखोगे इनकी जो फोटोग्राफ्स है, ये गिर है, ये साहिवाल है, और ये देखोगे आप ये रेड सिंधी है, और जो एक थार पार्कर एक और है वो ये है, ये थार पार्कर, ये सब जो है इंडिजिनस मिल्च कैटल ब्रीड्स इंडिया की। तो आज के लिए इतना काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।